अब अगला हमारा पार्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन्स प्रिंसिपल या थ्योरी। देखो पिछले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी इस समय ग्लास टाइप का सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा। इधर की ओर मीडियम वन है, आप मान लिया रेयरर है मीडियम, इधर की ओर मीडियम टू है और उसे हमने डेंसर मान लिया, ये डेंसर मीडियम है, ये हमने लिया। लाइट रेज देखिएगा बिल्कुल वैसे बना रहा हूं जैसे अभी डायग्राम बनाया, इंसिडेंट रे ये गई, दोनों पैरेलल रेज आना चाहिए, आई टू आई वन ये आता है, रेयर डेंसर या देखिएगा क्या होता है। ये लाइट रे यहां पर पड़ेगी इस जगह पर, सबसे पहले बेटा लाइट रे आप गौर से देखिएगा बेटा, ये इंसिडेंट रे आई वन है आई टू है, इसका वेव फ्रंट ऐसे आएगा, आप देखें इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेगा, वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज, आप ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दें दैट इज एक्चुअली वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आया ए बी, तो ए बी इज व्हाट बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहां पर अगर हम थोड़ा लिखें तो क्या आएगा, देखो आई वन एंड आई टू आर इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज I1 and I2 are incident rays. AB is incident wavefront. Correct? अब आप समझिएगा तरीका क्या है, समझिएगा। First of all, वो बेटा medium particles, देखिएगा first of all वो medium particle जो A पर है वो आके इस surface से जो refracting surface है S1 S2 इससे टकराएंगे। इसका मतलब समझा करो, सबसे पहले देखो वेव फ्रंट ए बी का ये हिस्सा टकराया, फिर बारी बारी से ये फिर ये हिस्सा टकराएगा, ये अगला हिस्सा या अगला मीडियम पार्टिकल, नेक्स्ट मीडियम पार्टिकल एंड फाइनली बी जाके इस बी डैश पे आखिरी में टकराएगा। अब आप बताइएगा सबसे पहले ए अगर टकराएगा इससे और तो ए के मीडियम पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट्स को मीडियम नंबर टू में भेजने लगेंगे, मीडियम नंबर वन में स्पीड ऑफ लाइट वी वन मान लो तो मीडियम नंबर टू में वी टू मान लो। तो अब ये देखो बेटा जाना था इधर, ये डेंसर मीडियम है तो लाइट रे जाएगी ऐसे बेंड होगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो तुम क्या कहोगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स एट ए स्टार्ट स्प्रेडिंग सेकेंडरी वेवलेट इन मीडियम नंबर टू, सेकेंड मीडियम या डेंसर मीडियम में स्प्रेड करेंगी और विद द स्पीड v2 स्पीड से स्प्रेड करेंगे। अब आप समझिएगा जिस समय ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट सेकेंड मीडियम में जा रही होगी उस समय इस वेव फ्रंट का जो एक्सट्रीम पॉइंट बी है इसकी जो लाइट रेज है या सेकेंडरी वेवलेट्स है वो इधर जा रही होंगी। सपोज यहां से यहां तक जाने में इनको टाइम डेल्टा टी या चलिए हमने यहां से डेल्टा टी लगता है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज इक्वल टू स्पीड यानी वी वन और डेल्टा टी इतने के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे पिछले में किया था वैसे ही जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स बी से बी डैश तक जाती हैं और फिर सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्ट होती हैं ये उतनी टाइम में जरा ध्यान रखिएगा ये आर था और यहां पर ले तो ये आई के बराबर था। तो आप देखिएगा जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स बी से बी डैश तक जाती हैं ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स उसी टाइम डेल्टा टी में ए से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होंगी। अगर आप इसे आर वन से लिख दें तो मैं यहीं पर यही लिखने जा रहा हूं क्या ऑल मीडियम पार्टिकल्स सिचुएटेड on AB behaves as secondary source and spread secondary wavelets in that medium. First of all, A से जो secondary wavelets निकलेंगी वो R1 के along जाएंगी. First of all, secondary wavelets starting from A starts propagating along AR1. विद स्पीड कितनी होगी बेटा v2, क्योंकि सेकेंड मीडियम में स्पीड v2 है। मीनवाइल b से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स b डैश पे पहुंच रही होंगी,
नो डाउट ए से बी के बीच के सारी सेकेंडरी वेवलेट्स आगे आके सेकेंड मीडियम में जा रही होंगे, आगे आके सेकेंड मीडियम में जा रही होंगी, लेकिन हमें एक्सट्रीम से मतलब लिखो, मीन वाइल मीडियम पार्टिकल एट बी एमिट सेकेंडरी वेवलेट विद स्पीड वी वन इन फर्स्ट मीडियम. सपोज बी से बी डैश तक जाने में टाइम डेल्टा टी लगता है, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश इज डेल्टा टी, देयरफॉर बी बी डैश इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, वी वन डेल्टा टी, ये इक्वेशन वन आ जाएगा. जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से यहां तक आएंगे उतने टाइम में ए की सेकेंडरी वेवलेट्स कहां जाएंगी, ये हम पता करना चाहते हैं. इन द सेम टाइम डेल्टा टी सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बताइएगा इस दौरान सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए जो जाएंगी, ए से जो स्टार्ट होंगी वो बेटा कितनी दूरी तय करेंगी, कवर्स डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैं यहां शो नहीं कर रहा हूं, बना रहा हूं. देखो डिस्टेंस ए ए डैश इज इक्वल टू वी टू डेल्टा टी इक्वेशन टू. आप समझिएगा यहां वी वन डेल्टा टी था क्योंकि पहले मीडियम में स्पीड वी वन थी, सेकेंड मीडियम में स्पीड वी टू है तो वी टू डेल्टा टी आएगा. जब यहां से यहां तक आने में इसने टाइम डेल्टा टी लिया तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इन दिस मीडियम वी वन इंटू टाइम इंटरवल है. जितनी देर में सेकेंडरी वेवलेट यहां से यहां तक पहुंची, यहां वाली सेकेंडरी वेवलेट सेकेंड मीडियम में वी टू स्पीड से चलेगी और इतनी दूरी तय करेगी. ए ए डैश हमने लिया हुआ है, ए ये है, ए डैश यहां हमें लोकेट करना पड़ेगा. तरीका वही है, टेक ए एट सेंटर, ड्रॉ स्फेरिकल आर्क. आप सोच के बताइए बेटा, बी बी डैश बड़ा होगा जो वी वन टी के बराबर है या ए ए डैश बड़ा होगा? बी बी डैश बड़ा होगा, बताएं क्यों? क्योंकि सेकेंड मीडियम को हमने डेंसर माना है और डेंसर में स्पीड क्या है, कम हो गई है. तो वी टू अगर कम है और वी वन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा. ठीक है, तो अब आप देखिएगा आपने क्या किया, टेक ए एज सेंटर, ड्रॉ द स्फेरिकल आर्क, आपने एक स्फेरिकल आर्क ड्रॉ किया और फिर आप इसके ऊपर अगर आप एक ऐसे टेंजेंट या एनवलप ड्रॉ कर दीजिए तो अगली लाइन यही लिखिए बेटा, टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ स्फेरिकल आर्क ऑफ रेडियस ए ए डैश इक्वल टू वी टू टी, इतनी रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दी. नाउ ड्रॉ एनवलप, एनवलप को टेंजेंट भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश विच इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. बेटा ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ए डैश बी डैश बेटा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है. क्लियर बेटा? ये एंगल 90 है, आपको पता है ये 90 है, ये एंगल 90 है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू द रेज. तो हम यहीं पे ले रहे हैं, आप देखिएगा ये एंगल आई था तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा और ये एंगल आई हो जाएगा. देखो बेटा ये एंगल आर है, यहां पर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा. तो देखो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यही एंगल इसके बराबर आ गया जो पीछे प्रूफ भी कर चुके थे, ये आएगा. इन ट्रायंगल चेक करिएगा ए बी बी डैश, ए बी बी डैश इस ट्रायंगल में आ रहे हैं. देखो बेटा साइन आई इक्वल टू होता परपेंडिकुलर, यह नहीं सॉरी परपेंडिकुलर ही आएगा 90 के सामने का एंगल. साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डैश अपॉन साइन आई इक्वल टू, देखो बेटा परपेंडिकुलर तो यही हुआ, ये आएगा और ये हाइपोटेन्यूस आएगा तो आएगा परपेंडिकुलर इज बी बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए बी डैश. बी बी डैश अगर देखें तो वी वन डेल्टा टी के बराबर है, ये ए बी डैश आएगा, ये साइन आई आएगा. इन ट्रायंगल अब हम लेंगे ए बी डैश ए डैश, ये आया देखो ए बी डैश ए डैश. साइन आर यहां से लीजिएगा, साइन आर is equal to perpendicular is a a dash upon और ये आएगा hypotenuse is a b dash, a b dash और a a dash क्या है v2 delta t upon
ए बी डैश ये। अब आप दोनों को डिवाइड करिएगा, डिवाइडिंग क्यों डिवाइड करें, स्नेस लॉ लाना है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन डेल्टा टी अपॉन ए बी डैश अपॉन वी टू डेल्टा टी, ये कैंसिल हुआ ये हुआ, तो आप देखें क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन, लिख लीजिए स्पेस बनाते हैं। ये बेटा लिख चुके सब लोग, किसी ने ना लिखा तो बोल देना, बाद में नहीं तो करो, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लो, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, ये कंडीशन निकल के आई क्वेश्चन एक्स वन। तो मैं याद होगा वी म्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था ना बेटा, तो इसका मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आया, इसका मतलब देखो v1 वन अपॉन वी टू इक्वल टू आस्तो में म्यू टू अपॉन मी वन आ जाएगा, यहां इसे ले लें, इसका मतलब v1 वन अपॉन वी टू में इनवर्स का रिश्ता आ जाएगा म्यू टू अपॉन मी वन। तो अब अगर हम इसको अगर लिख लें तो देखो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वन म्यू टू, तो मैं याद है इट कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस। तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं, अपॉन साइन आर इक्वल टू वन म्यू टू ईयर इज कॉन्स्टेंट विच इज स्नेल्स लॉ। सिंस इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिव फ्रंट आर इन द सेम प्लेन, देयरफॉर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन विच इज लॉज या विच आर लिख देना ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे भी चाहो तो एक चीज लिख देना साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू दिस लिख देना विच इज स्नेल्स लॉ। सो बेटा ये लेक्चर जो था ये रिफ्रैक्शन के प्रूफ का था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल था, इसको ध्यान से कर लीजिए क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंपटीशन के लिए तो कोई मतलब ही नहीं, कि कंपटीशन में प्रूफ तो आता नहीं और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है वो तो हमें पता ही है, तो आप इसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।